आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि पूजा में अनुभव नहीं होते, अब ऐसा क्या करें कि अनुभव होने लग जाए। सबसे ज्यादा लोगों की यही परेशानी है भाई, मेरे पास सबसे ज्यादा फोन इसी टॉपिक को लेकर आए हैं कि पहले हमें भगवान दिखाई देते थे, उनका आभास होता था, उनकी आवाज सुनाई देती थी, अच्छे अच्छे दर्शन होते थे, या जो होना है वो हमें पहले से ही पता चल जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम वो चीजें लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, प्रचार कर देते हैं, और जितना ज्यादा प्रचार होगा वो चीजें उतना ही कम हो जाएंगी। भाई मुझे बाबा श्याम दिखाई देते हैं, मुझे तो वो दिखाई देते हैं, तो ये बात फैलने लगी। तो अब भगवान, देखो याद रखना हमेशा, जब एक बीज को हम नीचे पृथ्वी में डालते हैं तो वही बीज पैदा होता है जिसे पृथ्वी अपने अंदर छुपा लेती है। जो बीज ऊपर पड़ा है वो कभी अंकुरित नहीं होता, जो नीचे गया है जिसे पृथ्वी ने अपनी गोद में छुपा लिया है वही बीज अंकुरित होता है केवल। उसी प्रकार वही भक्ति फलदायिनी होती है, वही अनुभव फल देता है जो चुपचाप एकांत में रहता है। भोजन, भजन और नारी, तीनों पर्दे के अधिकारी। यह ये मतलब नहीं है कि नारियों को पर्दा करना पड़ता है, नहीं, इसका मतलब है कि नारी घर की लक्ष्मी है और उसे एक मर्यादा, यहां पर्दे का मतलब है मर्यादा, अपने तक सीमित रखो, बाहर उसका प्रचार मत करो। वही चीज यहां है कि जो अनुभव हमें हो रहे हैं वो हमें किसी के साथ साझा नहीं करने हैं। ज्यादा ही जरूरी है तो मां के साथ, पिता के साथ, गुरु महाराज के साथ आप साझा कर सकते हो। अब ज्यादातर लोग करते क्या है, इसका उल्टा करते हैं। जो भगवान को नहीं मानता उसको जाके बोलते मुझे भोलेनाथ दिखाई देते हैं, वो सामने वाला मानता ही नहीं उन चीजों को, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा रोब दिखाने के लिए कि हाँ मैं इतना बड़ा भक्त हूं, ना भाई बंद करो इस सिस्टम को, मत बताया करो। ज्यादा ही जरूरी अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ साझा कर सकते हो आप इस बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लिमिट में रखो उन चीजों को। अब अनुभव दोबारा से शुरू कैसे हूं ये भी तो बताया जाए। सबसे पहले आपने, अगर आपको लगता है कि कोई अनुभव आजकल अच्छा खासा नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो जिस देवी देवता की पूजा करते हो, जिसको इष्ट मानते हो या जिसके अनुभव चाहते हो आप, हर रोज रात को सोते समय उस देवता का एक बार आह्वान करो। आह्वान का मतलब होता है उस देवता को बुलाना, जैसे कि बाबा श्याम को ले लेते हैं, हे बाबा श्याम, बस वैसे ही मन मन में बोलना है, मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, आपके दर्शनों की अभिलाषी है प्रभु, दर्शन दीजिए, कृपा कीजिए। जब आप ऐसा बोलोगे तो भगवान आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन में संकेत देना दोबारा से शुरू कर देंगे, धीरे 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 वो बातें आगे बढ़ती चली जाएंगी। यह है बिल्कुल सिंपल, जो हर प्रेमी हर कोई कर सकता है, हर रोज कर सकता है। इसी प्रकार अगर आपकी कोई समस्या का आपको हल नहीं मिल रहा, तो रात को सोते समय अपने इष्ट देवी देवता से बोलकर सो कि मैं इस समय इस परेशानी में हूं, मुझे बाहर निकालने का रास्ता दिखाओ, वो आपको बाहर निकालने का रास्ता दिखा देंगे। सोपन के माध्यम से ही रास्ता मिल जाएगा आपको। उसी के साथ साथ आप जो भी पूजा पाठ साधना करते हो, संकल्प लेना शुरू कर दो। सबसे पहले आसन के ऊपर बैठा करो, पूजा पाठ करते समय सर पे भी थोड़ा सा कोई छोटा मोटा कपड़ा लिया करो, माला करते हो तो माला को गोमुखी के अंदर रखा करो, पूजा पाठ करते हो उससे पहले संकल्प लिया करो। जो डेली की पूजा होती है उसमें नहीं, जो कोई संकल्प जैसे कि 108 माला करेंगे, 10 माला करेंगे, 50 माला करेंगे, उसमें संकल्प लिया करो। संकल्प लेते हो तो इससे एक तो आपकी जो ऊर्जा है वो चोरी नहीं होती, दूसरी चीज संकल्प लेने के बाद भगवान को आपके घर का एड्रेस मिल जाता है और भगवान आके आपका काम कर देते हैं। उसके साथ उस देवी देवता के जो भी आप अनुभव चाहते हो उसकी साधना को बढ़ा दो, 10 मिनट पूजा करते हो 20 मिनट कर दो, या फिर लगे कि अनुभव जल्दी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता नहीं है, तो 1,25,000 जाप करो उस देवी देवता के नाम का, कोई भी शांत सौम्य मंत्र का, शांत मंत्र का 1,25,000 जाप करोगे वो देवी देवता आपको दोबारा से अनुभव देना शुरू कर देगा। कोई भी देवी देवता हो, केवल 1,25,000 जाप करने। उसके साथ साथ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज बताता हूं आपको, जो कई बार मैं खुद कर लेता हूं, मैं इस चीज को, जो चीज मेरी समझ से बाहर हो जाती है, यानी वैसे तो क्या औकात है मेरी मैं कुछ समझू, लेकिन कई बार ऐसी हालत हो जाती है जैसे आप लोगों के मेरे पास फोन आ जाते हैं कि इस समय इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि उसकी जान जाने वाली है,
तो मैं उस समय पर जो जिनको मैं जानता हूं, जिनकी मैं इज्जत आदर करता हूं, जो मेरे गुरु महाराज या जो कोई भी ऐसे लोग हैं मेरी जिंदगी में जिन्हें मैं अपने से ऊपर मानता हूं, अपने मार्गदर्शक मानता हूं, मैं भगवान को उनकी दुहाई दे देता हूं। हालांकि मुझे बतानी नहीं चाहिए ये बात भाई, लेकिन कई बार मैं कर लेता हूं किसी की जिंदगी बचाने के लिए। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी प्रकार से आप मेरे पास फोन करके ये कहोगे कि भाई मैं तो मरा जा रहा हूं, भाई ये हो रहा है, भाई वो हो रहा है, तो भाई मैं ना 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 मतलब ही नहीं भाई। बस वो बाबा आगे से संकेत देता है मुझे, वो मैं कुछ नहीं करता अपने तरीके से, मैं कुछ भी नहीं करता भाई अपने लिए, मैं कुछ भी नहीं करता। आगे से मुझे संकेत मिलता है कि इस समय जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, आप इनकी दुहाई दे दो। फिर वही नाम मेरे दिमाग में आता है और मैं उनकी दुहाई दे देता हूँ भगवान को, क्योंकि जब अपने आप से नाम सुझाया गया तो मैं नहीं मानता कि कहीं भी ये गलत होगा। हालांकि किसी की दुहाई देना गलत बात है, क्यों? जैसे कि मान के चलो हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो हनुमान चालीसा में या बजरंग बाण में या बाबा हनुमान से जुड़ी हुई किसी भी चीज में उसके भक्त का नाम लो। कौन? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी या उनसे जुड़े हुए। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रेमी है भाई, कहो कि हे बाबा हनुमान मेरा ये काम रुका हुआ है और इस समय मैं आपकी ये सेवा कर रहा हूं और मैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को साक्षी मानकर, दुहाई नहीं यहां पे, मैं साक्षी मानकर उनके चरणों का आश्रय लेकर मैं ये काम कर रहा हूं, आप मेरी तरफ नहीं उनकी तरफ देखकर यानी गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ देखकर मेरा ये काम कर दो। एक प्रेमी ने मुझे बड़ी सुंदर बात बताई कि जब मुझे वृंदावन जाना होता है ना, तो कई बार तो आदेश नहीं आए ठाकुर जी के, तो मैंने उनको कहा कि हे ठाकुर जी आपको, देखो उन्होंने तो अपने तरीके से बताया, मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूं ये बात प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, मैं आपको उनकी कसम देता हूं मुझे वृंदावन बुला लीजिए। देखो हालांकि कसम देना बहुत गलत बात होती है, लेकिन किस चीज के लिए दी गई है कि वृंदावन बुला लीजिए, गलत काम के लिए नहीं, निजी स्वार्थ के लिए नहीं कि मुझे पास करवा दीजिए, फिर वो नहीं चलेगा। पास का मतलब मैंने सिर्फ बोला है ये चीजें, उससे शादी करवा दीजिए, उसका ये करवा दीजिए, उसका ना 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 ये चक्कर नहीं भाई, भगवान के लिए अच्छे काम के लिए। ये जो बातें यहाँ बोली जा रही है ना सिर्फ अच्छे कामों के लिए है, ये किसी दूसरे के ये नहीं कि दूसरे का कोई बुरा करवा दे या उससे शादी हो जाए, उससे प्यार करता हूँ, ऐसे लोग भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ यहाँ आया ही नहीं मत करो। कोई भी आप लड़का हो लड़की कोई भी हो, ये प्यार व्यार का चक्कर लेके तो यहाँ मत आया करो। प्यार सिर्फ ये वो करता है हमसे, हम नहीं करते भाई उससे, ये एक तरफा प्यार है भाई। ठाकुर जी तो करते हैं, हम नहीं करते भाई, हम दिखावा करते हैं, वो सच में प्रेम करते हैं भाई, हम सिर्फ दिखावा करते हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये गिने चुने कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, अगर आप इस तरीके से करते चले जाओगे ना तो निश्चित तौर पर दोबारा से आपको उनके अनुभव होने लगेंगे। जैसे बाबा श्याम है, इनके अनुभव नहीं होते तो कहो कि हे बाबा श्याम आप मेरी तरफ नहीं, आप श्री आलू सिंह महाराज की तरफ देखिए, आप श्री श्याम बहादुर सिंह जी की तरफ देखिए, जो बाबा के अनन्य दास हैं, जिनको आप जानते हो, जिनका आप नाम जानते हो या जो आपके गुरु हैं उनका नाम लीजिए। आप श्री लगाकर गुरु शब्द का प्रयोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप उनका नाम लेकर करोगे ना तो वो देवी देवता सहज ही आपको दोबारा से अपने अनुभव करवाने लग जाएंगे। यहां याद रखना कसम और दुहाई अलग चीज होती है, और किसी को साक्षी मानकर यानी मैं हे बाबा श्याम मैं श्री आलू सिंह महाराज को साक्षी मानकर आपकी पूजा पाठ करने बैठा हूं और इसका मुझे फल दीजिए, अनुभव करवाइए, फिर बाबा श्याम शीघ्र अनुभव करवाएंगे, क्योंकि आपने बीच में उसको ले लिया। बाबा श्याम दिन के आभारी रहते हैं जिनका नाम खुद बाबा गाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप समझ में आई होंगी, आपको अन्य प्रेमियों के साथ भी साझा करिए ताकि उन्हें भी ये सब कुछ जानने का मौका मिले। जय श्री श्याम।